चुनौती। साक्षरता ही है सफलता की कुंजी, इकलौती चुनौती। अज्ञान हटे शिक्षा के मिले जब मोती, इसी जोत से जीतेंगे हम जीवन की हर चुनौती चुनौती। भाई और बहनों, आप सभी को नेहा शरद, रागेश अस्थाना का सप्रेम नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है चुनौती। हमारे नए दर्शकों के लिए हम बता दें, चुनौती ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है। और अनोखा क्यों है? इसलिए क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ आपके लिए एक शिक्षा है, एक प्रेरणा है, एक पैगाम है, जिससे आप जिंदगी के हर चुनौती का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। इसमें 6 राउंड्स खेले जाएंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कार्यक्रम से और भी परिचित कराते जाएंगे। जी हाँ, और हमारी 2 टीमें यहाँ पे आई हैं खेलने के लिए। चलिए टीमों से मिलते हैं। आइए, टीमें हैं प्रेरणा और चेतना। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका नाम क्या है? अरियप्पा। आप क्या करते हैं? मैकेनिक हेल्पर। अच्छा, मैकेनिक। वाह भाई, गाड़ी के मैकेनिक है या थ्री व्हीलर के? बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। आपका नाम? सचिन। सचिन, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, क्रिकेट तो खेलते होंगे आप। चलिए इनके लिए तालियां। आपका नाम? मेहताब। मेहताब, मेहताब आप क्या करते हैं? माला बेक का काम करते हैं। क्या चीज? बेक। बेकिंग का? अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप? मेरा नाम रफीक है। रफीक, रफीक आप क्या करते हैं? होटल है आपका? आपका होटल है? क्या करते हैं आप होटल में? या आपके पापा का होटल है? मेरे पापा का होटल। पिताजी का होटल है। मेरी बहुत सी शुभकामनाएं आपके साथ में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला राउंड। प्रतियोगियों, ये देखिए, अगला खेल जो होने जा रहा है वो ऐसा ही कुछ है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर कुछ चीजें लटकाई हुई गेंदे हैं, ये सारी गेंदे, और इन सारी गेंदों पे लगे लगे हैं, देखिए आप, अलग अलग अंक हैं। अब आपको करना क्या है, आपकी आंख पर, मतलब टीम में से एक मेंबर की आंख पर यूं पट्टी बांधी जाएगी। ठीक बांधी है, बताइएगा मुझे। बिल्कुल। और फिर आपके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी दी जाएगी। अनिया जी, जी बहुत भारी लकड़ी है ये। हाँ, कहाँ है? ढूंढिए। अब आपको ये करना है कि आपका दूसरा साथी यहीं पर खड़े होकर, वो जगह बता दीजिए जहाँ ये लाइन है, आपको इस लाइन तक आना है। जी, यहाँ तक। अब यहाँ से आपका साथी आपको रास्ता दिखाएगा, राह दिखाएगा, और बताएगा कि किस चीज को कैसे और कहाँ छूना है। नेहा जी, आप खड़े होकर मुझे बताए। हाँ, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, और जो जितने ज्यादा अंक पे मारेगा उससे उतने ही अंक मिलेंगे। अरे थोड़ा और ऊपर। यहाँ नहीं, नहीं वहाँ। तो ठीक इसी तरह आपका साथी आपको वहीं खड़े होकर राह दिखाएगा। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, जब एक बार आप बॉल छू लें तो आप उसी लाइन पर वापस जाइएगा, ठीक है? तो चलिए तैयार, शुरू करें हमारा पहला खेल। तो पहला प्रेरणा टीम खेलेगी। एक बात का ख्याल रखें, आपके पास समय है 60 सेकंड का, मतलब सिर्फ 1 मिनट, है ना? आपको कुछ नजर आ रहा है? जी नहीं। नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अब आपका समय शुरू होता है अब। छूना नहीं उसको, समझे? बताओ, समझाओ, जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है। 400 मिले, 400 नहीं, 200 और 700 मिले, 700 पॉइंट, 700 अंक। चलिए चलिए चलिए, दोबारा दोबारा दोबारा, करीब 20 सेकंड। ये और 200 अंक मिले, 900 900 900 900 900 आइए वापस आइए, वापस आइए,
साथ में दे। हाँ आइए आइए, चलिए चलिए चलिए, दोबारा दोबारा फिर से आइए। बहुत बढ़िया, 200 अंक और आपके पास, 10 सेकंड रह गए, 10 सेकंड। अरे अपने साथी को संभालिए तो सही आप। समय समाप्त हो गया आपका, पट्टी उतारिए अब जल्दी से, आप अपनी जगह पे बैठिए। आइए चेतना टीम आइए, आप में से पहले बताइए, आप में से पट्टी कौन बांधेगा? आप बांधिए। हाँ मेरे ख्याल से लंबा वाला पट्टी बांध रहा है। आप रास्ता सही दिखाएंगे। चलिए जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, आपके पास समय है सिर्फ 60 सेकंड का। चलिए डंडा लाइए, डंडा जल्दी से लाइए, ये लीजिए डंडा पकड़ लीजिए। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। रास्ता बताओ, रास्ता बताओ, सुना नहीं, फिर से कहाँ जाए? नहीं नहीं, पाँच सौ मिलते हैं ना, 500 वापिस वापिस जाइए, कुछ दिख रहा है तो ले जाइए, जल्दी चलिए बताइए दोबारा। बहुत बढ़िया, 200 अंक और इनके, वापस जाइए वापस जाइए, जल्दी जल्दी, समय आपका खत्म होने जा रहा है, सिर्फ 15 सेकंड रह गए, सिर्फ 15 सेकंड रह गए, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे बाप, 10 सेकंड, समय समाप्त हो गया आपका। बहुत बढ़िया खेले आप। आइए आइए, तो अब चेतना टीम को मिलते हैं 700 अंक और प्रेरणा टीम को 900 अंक। भाइयों और हमारे प्रतियोगियों, देखिए आप वो कपड़े देख रहे हैं जो वहां पड़े हैं, ये अलग अलग व्यक्तियों के वर्दी हैं, मतलब मसलन डॉक्टर, पोस्टमैन, वकील वगैरह वगैरह वगैरह। आपका करना क्या है कि ये है ग्रुप गेम, मतलब सामूहिक गेम, आप दोनों मिलकर खेलेंगे। आप जाएंगे वहां, आपका एक साथी आपको कपड़े उठाकर देगा, बिल्कुल एक व्यक्ति के, जैसे पुलिसमैन के हैं तो आप पुलिसमैन के कपड़े ऐसे देंगे। याद रखिएगा, आपको समय मिलेगा सिर्फ 1.5 मिनट का, यानी कि 90 सेकंड। पूरी वर्दी पहनने के लिए है 100 अंक, और अगर आप वर्दी आधी पहन पाए तो आपको 50 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है तो आइए खेलते हैं, चलिए। हमारे इस खेल का नाम है रूप धारण। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी चलिए चलिए चलिए, लगता तो बहुत लंबा है 1.5 मिनट, लेकिन होता बहुत कम है, थोड़ा जल्दी। क्या पहना भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह, एक कपड़ा तो सही पहन लीजिए, आधे कपड़े पहनोगे तो सिर्फ 50 अंक। जल्दी जल्दी ढूंढो तो सही सही कपड़े, जल्दी जल्दी जल्दी
आइए। आप कौन सी टीम के हैं? प्रेरणा टीम। आपका नाम? अड़ियप्पा। अड़ियप्पा, और आपका नाम? भाई बहुत मेहनत की सचिन ने, अड़ियप्पा को पूरा वर्दी मिले और इन्हें मिलते हैं 50 क्योंकि इनका रह गया किसान का गमछा। चलिए आइए, अभी आगे बहुत सारे दौर है ना, आइए बच्चे आगे भी खेल सकते हैं। ऐसी बैठिए वर्दी पहनकर, आइए चलिए आइए आइए। इससे पहले कि हम अपने तीसरे राउंड पर जाएं, हम आपको पूरे अंक बता दें। नेहा जी, जी चेतना टीम को मिले हैं 750 अंक, और बढ़िया, और प्रेरणा को मिले हैं 1000, पूरे 1000, क्या बात है क्या बात है। हमारा तीसरा राउंड जिसका नाम है अक्षर अंताक्षरी, आइए हमारे इन नए प्रतियोगियों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए हम ये बता दें कि अक्षर अंताक्षरी क्या खेल है। देखिए हमारे प्रतियोगियों को हम एक एक करके 6 गाने सुनाएंगे, पहले इनको फिर इनको, अब इनको जो है आखिरी आखिरी शब्द याद रखना है गाने का, हम गाना कहीं भी रोक सकते हैं, और आखिरी अक्षर से आपको वो अक्षर लेकर यहाँ बोर्ड पर लगाना है, ठीक है समझ में आ गई। बोर्ड यह है और प्रेरणा का बोर्ड वो रहा उस तरफ, ठीक है, अक्षर सारे वहां पड़े हुए हैं, याद रखिए गाना खत्म होने से लेकर बोर्ड पे अक्षर लगाने तक आपको मिलते हैं सिर्फ 20 सेकंड। पहला गाना सुनाइए। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। दूसरा गाना सुनाए जी, बिल्कुल दूसरा गाना सुनाइए। क्या बात है, चलते हैं तीसरे गाने की तरफ। प्रेरणा का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम चौथा गाना सुनाएंगे हमारे चेतना टीम के लिए। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, गाते हैं ये जमीन आसमान शहीद हो। कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है ना, आइए अब हम पांचवा गाना सुनाने जा रहे हैं जो कि है हमारी प्रेरणा टीम के लिए। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर लुट तेरा सारा चंद्रमा जुमारा आधा जवानी। जल्दी से ढूंढ
ढूंढना था है? नहीं मिला। अब आखिरी गाना हम चेतना टीम के लिए सुनाएंगे। अरे कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुझ पर आ गए राजधानी है। जाएंगे अगर आप इन अक्षरों में से कोई शब्द बनाकर हमें दिखाएं। चलिए हम दोनों टीम को मौका देते हैं, सिर्फ 20 सेकंड का। शुरू होता है आपका समय अब कि आप सारे अक्षरों का एक शब्द बना ले। चलिए आइए। इन्हीं शब्दों में से इन्हीं अक्षरों में से शब्द बनाना है। बहुत बढ़िया। और ये चेतना टीम जीती है। चेतना टीम को मिलते हैं 50 अंक। और हमारे इस बोनस राउंड में जो 20 सेकंड एक्स्ट्रा शब्द बनाने के लिए, देखा आपने, इसी तरह तो खेल में कितनी शिक्षा होती है। फाइनल स्कोर बताओ मैं आपको। फाइनल स्कोर हुआ है चेतना टीम के 1000। वाह वाह। और प्रेरणा टीम को मिले हैं 1200 अंक। मतलब 200 अंक से आगे है प्रेरणा टीम। चलिए चेतना टीम दौड़िए, बहुत पास हैं आप। हमारे नए दर्शकों के लिए हम बता दें कि हमारा जो अगला खेल है वो खेल है प्रश्नावली। हम आपसे कुछ सीधे सरल प्रश्न पूछेंगे और आपको उनका उत्तर 10 सेकंड्स में देना है। आपका समय शुरू होता है अब। महाकुंभ मेले का मुख्य स्थान कौन सा है? इलाहाबाद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। वेरी गुड। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भाखड़ा नंगल किस लिए प्रसिद्ध है? मालूम है आपको? ये एक बांध है। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? मैसूर। दिवाली में किसकी पूजा होती है ये तो बता सकते हैं आप? बताइए जी। दिया का, लक्ष्मी। ठीक है, दो सवालों के जवाब इन्होंने सही दिए। चलिए चलती है चेतना टीम की तरफ। आइए। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? चीता। थोड़ा और सोच के बताइए। समय समाप्त होता है, अगला सवाल। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। कन्याकुमारी पर कितने सागर आकर मिलते हैं? 2, 3। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? जल्दी बताओ। नहीं पता। बंबई में है। चलिए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। बिल्कुल सही बताया आपने। एक सवाल का जवाब तो सही दिया। चलिए तो भाई अब देखते हैं स्कोर्स। आइए जी, आप लोगों को इस भाग के स्कोर बता दूं, मतलब अंक बता दूं। चेतना टीम को मिले हैं 10 अंक और प्रेरणा टीम को मिले हैं 20 अंक और कुल मिलाकर अब तक के अंक जो मिले हैं दोनों टीमों को, चेतना को मिले 1010 अंक और प्रेरणा टीम को 1220 अंक। ये अक्षरों का पहाड़ इस तरह क्यों है यहाँ पर? आपको याद है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे? हाँ? और उन्हें जब बूटी मिली नहीं तो उन्होंने क्या किया? वो शायद पूरा पहाड़ उठा के ले आए। तो अब हम अपना अगला खेल खेलते हैं जो कि बहुत ही मजेदार है। इसका नाम है सांचा। ठीक है, यहाँ कुछ सांचे रखे हुए हैं और वैसे ही अक्षर प्रेरणा टीम और चेतना टीम के लिए यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। याद रखिए उसी क्रम में आपको उसको फिर दोबारा नीचे बनाना है सांचों की मदद से। ठीक है, सांचों की मदद से एक ही क्रम में लिख दिया
तो आपको मिलेंगे पूरे 100 अंक। एक ही बना पाया आप अक्षर तो मिलेंगे 20 अंक। आपका समय शुरू होता है। पहला देख लीजिए वहां पे। अब हाँ जल्दी जल्दी दीजिए, समय आपके पास बहुत कम है। आपको दिया था सिर्फ 1 मिनट। दूसरा शब्द ढूंढिए तब तक आप, तीसरा ढूंढिए, जल्दी करिए, करिए। एक ही पाता है, क्या तो है। बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए चलिए अभी भी समय आपके पास है, जल्दी कीजिए जल्दी जल्दी। आपका समय समाप्त होता है। चलिए अपनी जगह पर आइए पेन। चलिए अभी दूसरी टीम को बुलाते हैं। चेतना टीम आइए। ये आपका बोर्ड है ठीक है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। देख लीजिए यहाँ पे शब्द आपके हैं। यहाँ अक्षर आपके जो भी एक्शन मिलता जाए वो फॉरन ढूंढ ढूंढ के लगाते जाओ। जल्दी उसी जल्दी नीचे, उसी क्रम समय नहीं है हमारे पास। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। 60 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, जल्दी कीजिए, समय दौड़ा जा रहा है। ढूंढिए जल्दी ढूंढिए। अरे इन्होंने बहुत सुंदर सा झ बना दिया है। क्या करें नेहा जी? जी नेहा जी, नेहा जी हाँ। चेतना टीम के इस प्रतियोगी ने हाँ। 2 अक्षर तो बहुत सही लिखे जी, वो थोड़ा सा अधूरा सा है लेकिन मुझे ठीक लग रहा है। तो इनको इसके लिए हम 10 अंक एक्स्ट्रा दे देते जी। क्यों हाँ? तो इन्हें मिलते हैं पूरे 50 अंक। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया खेला भाई, बहुत बढ़िया। अब आप फाइनल स्कोर बता दें। जी हाँ, प्रेरणा टीम के हुए हैं 1240 और चेतना टीम के हैं 1060। यहाँ से एक टीम शुरू करेगी उनका ट्रैक यहाँ से और दूसरा टीम जहाँ नेहा जी खड़ी आइए इस लाइन से। आपको ये लकड़ी के सहारे आपको इस थाली को ढकेलते हुए संभालते हुए आगे तक इस ट्रैक पे चलना है, मतलब इस पथ पे चलना है। सारे अंक इस पे लिखे हुए हैं। यहाँ 10 अंक है, 20 अंक, 40, 50, 100। अगर आप 100 तक पहुंचे तो बहुत बढ़िया। एक प्रतियोगी इसे ढक लेगा, दूसरा जो है इन गेंदों को बचाएगा। जहां एक गेंद नीचे गिरा वहां आपको रुकना पड़ेगा, वो गेंद फिर उसमें जाएगा, फिर ढकेलते आप जाएंगे। समय आपका शुरू होता है अब। चलिए बहुत बढ़िया। कौन जाता आगे? जल्दी। आपका साथी वो गेंद उठाएगा, आप नहीं उठाएंगे। आप तो चलते रहिए। नहीं, ऊपर से। नो चीटिंग। वापस देखिए यहाँ पे थाली। बहुत बढ़िया। हाथ नहीं लगाइए थाली पे। चलिए रुकिए। गाड़ी वाले गाड़ी हाथ लगाएंगे।
डॉक्टर्स क्या हुए हैं? मतलब इस प्रोग्राम के विजेता कौन है? तो चेतना टीम को मिले हैं 1360 और प्रेरणा टीम के हैं 1490। मुबारक हो, मुबारक हो। तो आज के विजेता है प्रेरणा टीम और यही टीम अगले प्रोग्राम में खेलेगी पहला सेमीफाइनल। शिक्षा ही हमारे जीवन को का खा गा का मार्ग दिखाती है, तभी हम जीवन की हर स्पर्धा में किसी भी चुनौती भरे प्रश्नों के उत्तर हंसते खेलते दे सकते हैं। आपकी पट्टी बंधी आंखों में भी ज्ञान की जोत चलाती है, आपको सही और गलत की सीख देती है, आपको सही सांचे में सही अक्षर बिठाना सिखाती है। शिक्षा द्वारा ही आप जीवन की कठिन से कठिन राहों को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन लोगों के साथ हम लोग मिलेंगे अगली बार इस खेल में जिसका नाम है चुनौती। चुनौती साक्षरता ही है सफलता की कुंजी, इकलौती चुनौती। अज्ञान हटे शिक्षा के मिले जब मोती, इसी जोत से जीतेंगे हम जीवन की हर चुनौती। चुनौती।